Welcome to Tax Today News Channel. Myself Bhavya Popat, editor of Tax Today. आज हमारे साथ न्यू जीएसटी रिटर्न सीरीज में ये वीडियो में जुड़े हैं ललित भाई गणात्रा जी, जो कि जयपुर में एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं और हमारे टैक्स टुडे के को एडिटर है। वेलकम ललित भाई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अवर व्यूअर्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर दे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ मूविंग ऑन टू अवर टूडेज टॉपिक। आज का हमारा ये टॉपिक इस वीडियो का है PMT 08। स्ट्रेट अवे मूविंग ऑन टू ललित भाई। ललित भाई, पहले बताइए हमारे दर्शकों को क्या है PMT 08। सर, PMT 08 पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स का एक रिटर्न कम चलन है। ओके, तो क्या हम इसे रिटर्न गिने या चलन गिने? सर, ये है तो रिटर्न ही है, 3B का समरी रिटर्न है। इसने वर्डिंग और सीरीज जो दिया है वो चलन का दिया है। फॉर्म में जो दिया है पीएमटी वाला सीरीज दिया है, लेकिन है समरी रिटर्न, 3B का समरी रिटर्न है। ओके, तो लल जी, ये जो PMT 08 है वो सभी करदाताओं को भरना है क्या? सर, जिसका टर्नओवर नए रिटर्न सिस्टम में 5 करोड़ से कम होगा और जो क्वार्टरली कैटेगरी में डिसाइड करेगा उसी को एक फॉर्म फिल करना कंपलसरी रहेगा। ओके, तो सर जैसे आप बता रहे थे कि इट इज अ चलन जो कि बेसिकली रिटर्न के तौर पर है, वैसा ही हमारा एक क्वेश्चन है कि इसमें ITC की डिटेल्स भी देनी होगी और क्या ये डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होगी? सर, ITC की डिटेल देनी कंपलसरी है और ये ऑटो पॉपुलेटेड नहीं है। ITC आप सेल्फ एंटर कर सकते हैं और दूसरा इसमें लायबिलिटी की भी डिटेल देनी है, आउटवर्ड लायबिलिटी और RCM दोनों की डिटेल देनी है। ओके, पर ऑटो पॉपुलेशन नहीं होगा उसमें क्रेडिट्स का? नहीं, ऑटो पॉपुलेटेड नहीं है सर। ओके, और हमें ये भी बताइए ललित जी कि क्या PMT 08 क्वार्टर के तीनों महीने में भरने जरूरी? नहीं सर, जो लास्ट मंथ होगा क्वार्टर का उसमें PMT 08 फाइल करना कंपलसरी नहीं है, फाइल नहीं करना है। सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ, क्वार्टर का फर्स्ट 2 मंथ है उसमें PMT 08 फाइल करना होगा। जैसे अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर की क्वार्टर की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर में PMT 08 फाइल करना है, बाकी के जो क्वार्टर के जो लास्ट मंथ है उसमें आपको रेगुलर जो रिटर्न आपने सिलेक्ट किया है वो फाइल करना है। ठीक है, थैंक यू ललित जी। और हम आगे बढ़ते हैं कि ये PMT 08 कब तक, कौन सी तारीख तक फाइल करना जरूरी है? एक मंथ एंड होने के बाद 20 डेज में, अभी जब जैसे हम 3B फाइल कर रहे हैं उसी डेट में ये PMT 08 फाइल करना होगा। ओके, ललित जी हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि क्या PMT 08 चलन है और उसके थ्रू क्या बैंक में पेमेंट कर सकते हैं? सर, PMT 08 एक स्टेटमेंट और रिटर्न की तरह है। इसमें आपको जो टैक्स पे करना है वो तो PMT 05 जैसे हम अभी जिसे फाइल कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं उसी तरह से करना है। PMT 08 से हम टैक्स पे नहीं कर सकते, सिर्फ एडजस्टमेंट करना है PMT 08। व्यूअर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि PMT 08 इज एंड CMP 08 बोथ आर नॉट चलन, बेसिकली दे आर समरी रिटर्न्स। और आप पेमेंट करने के लिए तो आपको 05 वाला जो PMT 05 वाला ऑप्शन है वही आपको यूज करना पड़ेगा, तभी कैश लेजर में आपकी अमाउंट आएगी। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। या सर, कैश लेजर में बैलेंस होना जरूरी है, इसके लिए आपको PMT 05 से कैश बैलेंस करना है। ओके ललित जी, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। PM क्या करदाता कोई महीने ट्रांजेक्शन नहीं करता है, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो क्या नील PMT 08 भरना भी जरूरी है उनके लिए? जी सर, नील PMT 08 फाइल करना जरूरी रहेगा उसको। ओके, इवन नील ट्रांजेक्शन है इंस्ट्रक्शन में लिखा है। ओके ललित जी, लास्ट बट नॉट एट ऑल द लिस्ट, लेट फी इज द बर्निंग इश्यू। क्या PMT 08 लेट फाइल करने से लेट फी लग सकती है? सर, लगनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो फॉर्म दिया गया है प्रपोज फॉर्म उसमें लेट फी का सेल दिया है और इंस्ट्रक्शन में भी लिखा है कि आपको PMT 08 फाइल करना है इच फर्स्ट 2 मंथ, सो इसमें लेट फी लगेगा। ओके ललित जी, वैसे भी GSTN लेट फी लगेगा। ओके, वैसे भी हमें GSTN की फितरत पता है, जहां भी लेट फी आती है कहीं भी बाकी नहीं रखते। सो विद दिस कंक्लूडिंग रिमार्क वी आर एंडिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
Thank you very much, friends.